पावर वॉरियर, जहाँ पे आपने कभी ना कभी वक्स तो देखे ही होंगे। गेम्स के अंदर आपको उस गेम के अंदर ट्रेनिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, उसमें आप थोड़ी प्रैक्टिस कर सकते हो अपना करेक्टर सेलेक्ट करके और अपना अपोनेंट सेलेक्ट करके। यहाँ पे आप फाइट कर सकते हो। आप यहाँ पे अपने अपोनेंट को कितना भी अटैक दें, आपका अपोनेंट आप पे अटैक नहीं करेगा। चाहे उस पर आप पंच मारो या फिर की ब्लास्ट दे दो, वो आपको बदले में अटैक नहीं देगा। तो आप सोच रहे होंगे मैं आपको ये बता कर रहा हूँ, ये तो आपको ऑलरेडी पता होगा, लेकिन आज हम ट्रेनिंग के अंदर निकालेंगे बक्स जो कि अभी तक इस गेम के अंदर हैं और बक्स फिक्स नहीं किए गए हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना ट्रेनिंग मोड ऑन कर लिया है। तो अपना कोई रैंडम करेक्टर सेलेक्ट कर लेता हूँ और अपोनेंट सेलेक्ट करता हूँ MUI गोकू। हो गया गेम प्ले स्टार्ट। ओके, करते हैं गेम को ऑन, मतलब प्ले करते हैं गेम को। तो आप पहले अपना स्टेमिना मतलब अपना HP को भर लेता हूँ और मैं यहाँ पे अटैक दे रहा हूँ। तो अभी अल्ट्रा गोकू मुझ पर अटैक नहीं करेगा। तो मैं MUI गोकू को पंच मारूँ, अभी भी अटैक नहीं कर रहा है। यहाँ पे पंच मारते आ रहा हूँ मैं और यहाँ पे शायद पावर लॉस्ट हो चुकी है MUI गोकू की। अब देखना ये गेम पे अटैक करेगा, ये हमारा अपोनेंट ये अटैक कर रहा है। वैसे ट्रेनिंग मोड में हमारा अपोनेंट हम पे अटैक करे ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमारा अपोनेंट पे अटैक कर रहा है और शायद ये बग है। आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा जो अपोनेंट है वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे रहा है मुझको, और भी ट्रेनिंग मोड के अंदर। तो ये वाला बग मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। अब इसी गेम के अंदर इसी मोड के अंदर मैं दूसरा बग दिखाता हूँ आपको। तो फिर से मैंने ट्रेनिंग मोड ऑन कर लिया है, इसमें मैं कैरेक्टर सेलेक्ट करूँगा कोई और सा, देखना आप इसका नाम नहीं पता मुझे लेकिन मैं सेलेक्ट करता हूँ ये वाला करेक्टर। तो आप ये करेक्टर सेलेक्ट करके देख लेना। अब मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ अपना अपोनेंट करेक्टर, मैं कोई सा भी करेक्टर सेलेक्ट कर लेता हूँ वहाँ पे। तो आप सेलेक्ट कर लिया मैं सेल। बस यहाँ पर गेम हो गई स्टार्ट, ठीक है। अभी मेरा अपना ट्रैक्टर मुझ पर अटैक नहीं कर रहा है, तो मैं बस पे पहले अटैक कर देता हूँ। तो आप मेरा अभी तक ये ट्रैक्टर अटैक नहीं कर रहा है। अब मैं आप SP देता हूँ उसे, तो हमें करेक्टर हो गया चेंज। तो आप देख सकते हैं मेरा अपोनेंट जो है वो करेक्टर मुझ पर अटैक कर रहा है। तो आप मैं दोबारा करेक्टर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको लगे कि सेल मेरा अपोनेंट करेक्टर है, वो भी मुझे अटैक करेगा। तो आप मेरा करेक्टर दोबारा चेंज हो चुका है, आप देख सकते हो सेल भी मुझ पर अटैक करने लग गया है। तो फ्रेंड मुझे नहीं पता है ट्रेंडिंग मोड के अंदर ऐसा क्यों हो रहा है, शायद ये बग हो। तो आप भी इसे ट्राई करके जरूर देखना और मुझे कमेंट में बताना कि ये बग है या फिर कुछ और ट्रेनिंग मोड का। चैनल पे नए हो और अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन ऑन कर देना। मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।